हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एज प्रॉमिस्ड, हम लाइव है आपके साथ 29 मार्च को आपके पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए एंड टू हेल्प ईच अदर बिकम अ बेटर लीडर एंड टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर। सो वेलकम फ्रेंड्स, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आज का हमारा जो ये सेशन है उसको स्पेशल सपोर्ट किया है Basesh Solutions Private Limited, जो एक टैक्स एंड अकाउंट्स कंसल्टेंट है। सो थैंक यू Basesh फॉर पावरिंग दिस सेशन। एंड अक्षर थाई वेलकम, हेनिल वेलकम, ऑल माय व्यूअर्स वेलकम। सो आज का हमारा टॉपिक है, आई विल स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड एंड हीरो। ओके, हम मैं अपने सभी व्यूअर्स के बिहाफ पे और सभी फैंस के बिहाफ पे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू ऑल आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टू ऑल आर डॉक्टर्स, नर्सेस, टू आर पुलिस, टू आर म्युनिसिपल ऑफिसर्स, कि जो अपना जान रिस्क करके, कुर्बान भी करके, टू एंश्योर दैट वी आर सेफ एंड अ कंट्री सेफ। सो हैट्स ऑफ टू यू। सेकेंड, मेरे पास एक अपडेट है कि दिस आर द टफ टाइम्स जो हमें दिखाता है रियल हीरो कौन है। हु आर रियल हीरो? आर आर रियल हीरोज स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज और रियल लाइफ हीरोज? दीज आर आर रियल लाइफ हीरोज, आर डॉक्टर्स, आर पुलिस, आर म्युनिसिपल वर्कर्स, the low level people who are taking care of us. And special mention to a person jise main bahut pyar karta hu, bahut admire karta hu, sir Ratan Tata and Tata Group. Tata Group as a whole, Tata Sons, Tata Trust ne desh ke liye 1500 crores ka rupees ka donation announce kiya hai to fight this coronavirus. And this is a such a great gesture. Mujhe hamesha lagta hai ki Ratan Tata and the Tata Group may never be the richest company or richest person in India, but definitely, sir, you are the most loved, most respected, and most admired person. So, I request from all of us, and you all too, on social media or WhatsApp, let us thank all our doctors, healthcare professionals, municipal workers, police, and also a special salute to Ratan Tata, sir. Yes. So, today's our story is a very simple story. That there were a group of frogs. और एक ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स जो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मेंढक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और ये जो मेंढक थे वो उसमें से तीन चार मेंढक एक वेल में गिर गए। और ये जो कुआ था, ये जो वेल था, ये बहुत डीप था। तो बाकी सब मेंढक बोले, ओ माय गॉड, अभी इनका बचना तो बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि यार तुम खत्म, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जो चार मेंढक गिर गए थे उसमें से तो एक मेंढक ने ट्राई भी नहीं किया, बाकी तीन मेंढक ने बाहर निकलने का ट्राई किया। लेकिन ये लोग नॉनस्टॉप ऊपर से बोल रहे थे, यार कुछ नहीं हो जाएगा, यार वी आर सो सॉरी, यार भगवान तुम्हें बचाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये मेंढक बहुत ही ट्राई कर रहे थे और उसमें से आखिर ऑलमोस्ट दो मेंढक ने वापिस गिव अप कर दिया। चार में से एक ने ट्राई नहीं किया, दो ने गिव अप कर दिया, लेकिन एक मेंढक ने गिव अप नहीं किया। वो ट्राई करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया और अल्टीमेटली ऊपर पहुंच गया। और जैसे वो अल्टीमेटली ऊपर पहुंचता है, माय डियर फ्रेंड्स, लोग उसे पूछते हैं, व्हाट हैपेंड, तू बाहर कैसे निकला? तब उनको रियलाइज हुआ कि वो फ्रॉग, वो मेंढक बहरा था। ही डिड नॉट लिसन टू द नेगेटिविटी, ही डिड नॉट लिसन टू वेस्ट थिंग्स। उसने व्यर्थ, नकारात्मक सभी को इग्नोर कर दिया। ही फोकस्ड ओनली ऑन द पॉजिटिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा भी आपके साथ, सभी के साथ यही रिक्वेस्ट है कि हम ये टाइम पे नेगेटिविटी पे कम फोकस करें। ये टाइम पे जितना हो सके उतना हम पॉजिटिव रहे, उतना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारा ये भी ड्यूटी बनता है कि हम औरों को भी पॉजिटिव शेयर करें। लेट अस बी लाइक द फ्रॉग हु ब्लॉक्स आउट ऑल द नेगेटिविटी। क्योंकि आज पूरा दिन मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूं, वहां तो टेलीविजन पे या न्यूज पे या सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस, डेथ, थ्रेट, इकोनॉमी खत्म हो गया, ये नेगेटिविटी से ही है। रियलिस्टिक रहना जरूरी है। लेट्स स्टे रियलिस्टिक, लेट्स हैव अपडेट्स, लेकिन नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दो, फोकस ऑन द पॉजिटिव, तो आप वो मेंढक की तरह बाहर आ जाएंगे। और बाकी तीन मेंढक की तरह मत रहना जिसे ट्राई भी नहीं किया या गिव अप कर दिया। सो दिस वॉज माई स्टोरी। ब्लॉक आउट माई नेगेटिव्स, ब्लॉक आउट ऑल नेगेटिव्स, फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव और आप डेफिनेटली सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो हियर इज माई क्विज क्वेश्चन। और जैसे हम हमेशा प्रॉमिस करते आए हैं कि वी विल अनाउंस अ विनर, तो हमारे कल के विनर है, जो टॉप फैन भी हो चुके हैं हमारे पेज के, इस वीरेंद्र लखानी। वीरेंद्र लखानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 927 फैशंस की तरफ से 2000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, विच यू कैन यूज टू मेक अ कस्टमाइज्ड शर्ट।
सो वीरेंद्र लखानी कीप इट अप, और मेरा सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैक्सिमम लाइक कमेंट शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को टैग करिए टू विन दिस प्राइज एंड पार्टिसिपेट. सो हियर इज माय क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपके पास एक बकेट में गंदा पानी पड़ा है एंड यू आर नॉट अलाउड टू टच द वॉटर और द बकेट, आप वो बकेट को हाथ नहीं लगा सकते, आप उसके अंदर पानी को डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते, तो बकेट में आप साफ पानी लाएंगे कैसे? दिस इज माई क्वेश्चन टू योर व्यूअर्स. प्लीज आंसर द करेक्ट आंसर विनर हैज अ चांस टू विन अ प्राइज. कि अगर आपके पास एक बकेट है, बकेट में गंदा पानी है, आप उसे टच नहीं कर सकते, ना बकेट को ना पानी को डायरेक्टली, तो आप बकेट के अंदर साफ पानी कैसे लाएंगे? यस, लेट्स सी कौन ज्यादा अच्छे से गेस करता है. एंड दिस इज अ वंडरफुल चांस टू विन अ प्राइज. जितना आप इंटरेक्ट करोगे, शेयर करोगे, ये पॉजिटिविटी सबके लिए बांटोगे, उतना ही हम सब जीतेंगे. तो अगेन स्पेशल शाउट आउट टू वीरेंद्र लखानी. और वापस आज का जो सेशन है, इट इज पावर्ड बाय पेसेको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका टैक्स एंड अकाउंट्स एडवाइजर है. सो पेसेको एंड सीए ऋषभ बोरा, थैंक यू सो मच फॉर दिस. इट विल बिकम क्लीन ऑटोमेटिकली. अक्षर बोल रहे नहीं, ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होगा, वो कचरा अंदर ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गंदा रहेगा अगर उसे छोड़ देंगे तो. सो पार्शल राइट है कि आप उसे छेड़ो मत, तो वो सेटल हो जाएगा. बट इज देयर अ बेटर वे कि बकेट के अंदर गंदा पानी है? Yes, रोनक ने कुछ अच्छे आंसर दिए हैं, पारुल बेन ने भी अच्छे आंसर दिए हैं. डू वी हैव एनी अदर पार्टिसिपेंट्स? आई विल वेट फॉर अदर 5 सेकंड्स एंड बिफोर वी गो फॉर द आंसर. एंड हियर इज द आंसर. जैसे अंकित ने बोला कीपिंग इट स्टिल, बट जैसे हेनिल, पारुल बेन और सभी ने बोला था, वृद्धि ने आलम बोल दिया, बट द बेस्ट वे इज उसको एक नल के नीचे लेके जाओ, नल को खोल दो, कॉन्स्टेंट साफ पानी आएगा, गंदा पानी ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, एंड आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बकेट के अंदर सिर्फ साफ पानी रहेगा. और ये अगर हम हमारे लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी और डर है, उसको निकालने के लिए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ माई फ्रेंड्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी. एंड दैट इज वाई हमने ये लाइव सीरीज चालू किया है, कि हम डेली एक दूसरे को पॉजिटिव बूस्ट करें, कि हमारे अंदर के वीकनेसेस और डर, फियर, कंफ्यूजन निकल जाए, और मैं और आप और हम सब कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहे, प्रोडक्टिव रहे और सक्सेसफुल रहे. सो दैट इज इट. आई थिंक पारुल बेन, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया स्टार्टिंग में. सो हैट्स ऑफ टू यू पारुल बेन. एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. और ये जो मेरा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आज का हमारा ध्यान का टॉपिक क्या है. जो हमने जो स्टोरीज बोला था स्टार्टिंग का, फ्रॉग का स्टोरी, ये बाल्दी का स्टोरी, आर स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का सिंपल ज्ञान जो हमें लीडरशिप और बिजनेस में काम आ सकता है इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये बहुत ही फेमस टर्म है, लेकिन वॉट एवर यू थिंक इज वॉट यू विल गेट, वॉट एवर यू से इज वॉट यू आर अट्रैक्टिंग, वॉट एवर यू डू विल मल्टीप्लाई. तो आपके सोच, आपके बोल और आपके कर्म अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से वो एनर्जी जो आप चाहते हैं. अगर आप पूरा दिन ये सोचते हैं मैं बर्बाद हो गया, लॉकडाउन में मैं आगे क्या करूंगा, यू आर अट्रैक्ट इन दिस एनर्जी. अगर हम पूरा दिन ये बोलते हैं कोरोना 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 कोरोना, ओ माय गॉड, पूरा दुनिया तपा हो गया, देन यू आर अट्रैक्टिंग दिस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी. बट अगर आप पूरा दिन ये बोलते हो आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सेफ, ये एक रिबूट का टाइम है, ये रिलैक्सेशन का टाइम है, ये प्लानिंग का टाइम है, इसके बाद मैं वापस ऊपर जाऊंगा, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स बिकॉज साइंस ने भी अभी ये माना है कि हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र है. ओके, ये स्पिरिचुअलिटी का चक्र, इंट्यूशन का चक्र, कम्युनिकेशन का चक्र, लव का चक्र, पेट के पास 16 का चक्र, नीचे सेक्सुअलिटी का चक्र, एंड लास्ट इज सर्वाइवल का चक्र, जिसे हम ग्राउंड चक्र भी कहते हैं. दिस 7 चक्रस वाइब्रेट विद एनर्जी एंड अट्रैक्ट एनर्जी इन द यूनिवर्स, जिसे हम वाइब्रेशंस, ऑरा, एनर्जी कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं. और ये है, साइंस ने ये प्रूव किया है, देयर आर ऑरा कैप्चरिंग डिवाइसेस एंड कैमरास आल्सो अवेलेबल. सो आप पूरे दिन में जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव आप अट्रैक्ट करेंगे. सो माय असाइनमेंट, माय होमवर्क टू यू इज, अगर आप हर 2-3 घंटे में एक छोटा सा मंत्र बोलेंगे कि डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर कीपिंग मी एंड माई फैमिली सेफ, आई एम सेफ, आई एम हेल्दी, एंड आई एम वेरी वेरी सून गोइंग टू बी वेल्दी एंड सक्सेसफुल. और वेल्थ का मीनिंग इज नॉट जस्ट मनी, वेल्थ का मीनिंग इज हैप्पीनेस, बैलेंस, एवरीथिंग. सो डियर गॉड थैंक यू, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू बिकम मोर वेल्दी एंड मोर सक्सेसफुल. आप भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होते जाएगा माई फ्रेंड्स. सो दिस इज माई मंत्र, एंड नाउ इज अ टाइम फॉर द मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट, एक बहुत ही सुंदर स्टोरी. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड का, खास करके एक इंटरनेशनल स्टार है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हु इज द रिचेस्ट
पेड एक्टर इन द वर्ल्ड रिसेंट टाइम्स। पूरे विश्व में एक ऐसा हॉलीवुड एक्टर है हु इज द हाईएस्ट पेड, द मोस्ट पेड एक्टर। कोई गेस्ट कर पाएगा कौन है ये एक्टर? कौन है? हु इज द हाईएस्ट पेड एक्टर? मैं आपको एक हिंट देता हूं फ्रेंड्स, ही इज देयर इन अ वेरी वेरी पॉपुलर मार्वल फिल्म ऑल्सो। मार्वल के जितने भी फिल्म आए हैं उसमें काफी फिल्म में वो है वो एक्टर। तो कौन है ये पर्सन? लेट्स सी माई व्यूअर्स, लेट्स सी माई व्यूअर्स, लेट्स सी माई व्यूअर्स। टाटा 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 टाटा। यस, सभी लोग चक्रास का बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, तो मैं बहुत जल्द हाउ डू वी मेडिटेट थ्रू चक्रास इन 2 मिनट्स वो मैं बहुत जल्द कवर करूंगा। बट लेट अस प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड पॉजिटिविटी, जो आज का स्टोरी का है। यस, जेम्स पारुल बेन ने बोला जेम्स बॉन्ड, नो पारुल बेन जेम्स बॉन्ड नहीं है। दीपाली ने कहा रॉबर्ट, नहीं रॉबर्ट नहीं है, या हो भी सकता है। अक्षत ने कहा टोनी स्टार्क। अदर व्यूअर्स इज अ चांस टू एंगेज एंड विन, क्या हो सकता है प्राइस? एंड द आंसर इज 5 सेकेंड्स। एंड द आंसर इज रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन। आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज द राइट आंसर। एक टाइम पे वर्ल्ड का रिचेस्ट एंड द मोस्ट पेड एक्टर, वेरी डायनामिक, वेरी डैशिंग, क्रेजी फैन फॉलोइंग। आयरन मैन और अवेंजर्स में हम लोग ने बहुत उसे प्यार किया। यस, मोर पीपल आर नाउ राइटिंग रॉबर्ट डाउनी, यू नो ड्वेन जॉनसन बिटवीन रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और उसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमें स्ट्रगल लाइफ में करना बहुत जरूरी है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करते, यू विल नॉट बी एबल टू कम ऑन टॉप। लेट्स सी हिज स्ट्रगल स्टोरी। जब वो 6 साल का था, 6 years, उसके फादर ने उसे ड्रग्स दिया और बोला मेरे साथ ड्रग्स कर, क्योंकि उसका फादर एक ड्रग एडिक्ट था, एक अल्कोहलिक था। वो अपने बच्चे के साथ कैसे बॉन्ड करे उसे आइडिया नहीं था। तो ही टोल्ड हिज किड्स बॉस, यू नो, आओ बेटा चलो लेट्स डू ड्रग्स। और एक 6 साल का बच्चा वीड करना चालू कर देता है, ड्रग्स करना चालू कर देता है। और धीरे ही जब वो छोटा रहता है, उसके लाइफस्टाइल में चालू हो जाता है कि मैं रोज दारू पीऊं, रोज ड्रग्स करूं, क्योंकि उसको वही संस्कार मिले। धीरे 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 उसके फैमिली में तनाव बढ़ गया, उसके मम्मी पापा सेपरेट हो गए, वो अपने फादर के साथ ही रहा। और वो संस्कार, वो छतरा छाया, वो इन्फ्लुएंस के कारण वो ड्रग्स का और अल्कोहल का ही उसके लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। दिस इज रियली रियली टफ टाइम्स। वो स्कूल भी उसने ड्रॉप कर दिया एंड ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर, क्योंकि उसके फादर भी फिल्म इंडस्ट्री में रिलेटेड थे। और उसे बहुत ट्राई किया इधर उधर, लेकिन उसे कहीं सक्सेस नहीं मिला। फिर एक बार सैटरडे नाइट लाइव में उसे एक होस्ट बनने का चांस मिला, लेकिन कुछ ही टाइम में वो प्रोग्राम भी नहीं चला, रेटिंग्स वो वेरी वेरी पुअर एंड ही वाज फायर्ड। फिर उसने एक मूवी किया था लेस देन जीरो, जिसमें उसने एक एक्चुअल ड्रग एडिक्ट का रोल अदा किया था और वहां से उसे फेम मिला। लेकिन वो घड़ी घड़ी ड्रग के रिहाब में जाता था, क्लीन होता था, बाहर आता था, कुछ दिनों के लिए अच्छा रहता था, लेकिन ये जो आदत है, जो तड़प है, जो एडिक्शन है, उसे वापस खींचता था, माय फ्रेंड्स। बट इसके स्टोरी का ये ध्यान से सुनना, एक बार उसे वंस इन अ लाइफ टाइम रोल मिला। और हमने इसके बारे में कल भी बात किया था, ही गॉट अ चांस टू प्ले चार्ली चैपलिन। और ये अपने रोल के लिए इतना डेडिकेटेड था, और आपको शायद पता भी नहीं रहेगा, चार्ली चैपलिन वॉज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर वॉज अ राइट हैंडेड पर्सन। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो रोल इतना चाहिए था कि उसने वायलिन और टेनिस कैसे खेलना लेफ्ट हैंड से वो प्रैक्टिस किया। एंड टुडे ही इज अ बेटर लेफ्टी देन अ राइटी। ये होता है डेडिकेशन काम के लिए, ये होता है पागलपन काम के लिए, कि वो रोल पाने के लिए, कि मैं मेरा लाइफ को सुधार लूं, मुझे अच्छा काम मिल जाए, मैं एस्टैब्लिश हो जाओ, वो रोल पाने के लिए ही प्रैक्टिस लेफ्ट हैंड वायलिन एंड टेनिस डिस्पाइट बींग अ राइटी। कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, वर्क हार्ड किया और उसको वो रोल मिला। और उसके बाद भी उसके लाइफ में ऊपर नीचे आए। एक बार जब वो जेल में गया तो उसकी फर्स्ट वाइफ और उसके बच्चे ने उसको परमानेंटली छोड़ दिया। बोला कि पापा आप वर्थलेस हो, रॉबर्ट आप वर्थलेस हो, आप हमेशा ड्रग्स में आते रहते हो, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। उसने फिर से शादी की, फिर वापस वो ड्रग एडिक्ट हुआ, वापस वो जेल में गया। उसके पर काफी केसेस थे, वो जेल में रहता था। और एक बार उसकी सेकेंड वाइफ ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया। देखो फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। उसके सेकेंड वाइफ ने उसको अल्टीमेटम दे दिया, रॉबर्ट आइदर यू लिव ड्रग्स और वी विल लिव यू। और उसने तभी वो लाइफ में 3 चीज अपनाई जेल में, प्रिजन में। फर्स्ट इज योगा, सेकेंड इज मेडिटेशन एंड थर्ड इज कुंग फू। हम इंडियंस हमेशा वेस्ट को देखते हैं, लेकिन द अदर वर्ल्ड फाइंड्स योगा एंड मेडिटेशन सो सुपर। सो योगा, मेडिटेशन और कुंग फू अपनाया, अपना लाइफ को क्लीन किया, अपने लाइफ को रिबूट किया, बाहर आया
उसको 2007 के आसपास या आई थिंक 2007-08 के आसपास आयरन मैन का रोल मिला और अगले 12 साल वन साइडेड एक्टर चलता रहा. आयरन मैन 1, 2, 3 अवेंजर्स एंड ही इज मेड अ लॉट ऑफ मनी, ही इज मेड अ लॉट ऑफ फेम. लेकिन एक अच्छा इंसान जब टॉप पे रहता है तभी भी वो ग्राउंडेड रहता है. ये आज भी लोगों को हेल्प करता है. आज भी सिक चिल्ड्रन जो बहुत ज्यादा बीमार है या जिसे कैंसर हुआ है या बीमारी हुआ है उसको हेल्प करता है, उनकी ड्रीम्स फुलफिल करता है आयरन मैन बन के आके उनके साथ पार्टी करके. और खास करके जो एडिक्ट है जो बाहर निकलना चाहते हैं उनको वो पैसे देता है रिहैब में जाने के लिए, उनको सपोर्ट करता है. अ सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज कीप्स गिविंग, जैसे रतन टाटा सर भी देता है, रॉबर्ट डाउनी भी देते आ रहा है. और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लाइफ से हमें यह सीखने मिलता है कि उसका बचपन इतना हॉरिबल था, उसके संस्कार इतने हॉरिबल थे, फिर भी उसने एक्सक्यूज नहीं दिया. जब रोल का टाइम आया तो लेफ्ट हैंडेड भी बन गया और जब फैमिली ने उसको प्रेशर किया पॉजिटिवली तो उसने ड्रग्स भी छोड़ दिया. अपने लाइफ में योगा और मेडिटेशन के कारण और कुंफू के कारण भी डिसिप्लिन लाया और लाइफ चेंज हो गया. एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड एक्टर्स. सो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लाइफ से मुझे 3 कोट्स बहुत ज्यादा पसंद है जो हमको हमारे लाइफ में अप्लाई करने चाहिए. कोट नंबर 1, इफ यू आर एट द बॉटम देयर इज नो नीड टू स्टे आफ्टर द बॉटम, गेट आउट. यानी अगर आप कोई कारण से एकदम लो पॉइंट पे हो तो लो पॉइंट पे रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई रोक नहीं रहा है बाहर आने के लिए. ये बहुत ही पावरफुल कोट है. सेकेंड, पीपल राइज आउट ऑफ द एशेस. People rise out of the ashes because they are invested in the possibility of winning. अगर आप down हो, but अगर आप winning के ऊपर ही सोचते हो, you will rise out like a phoenix. People rise out of the ashes because they are invested in the possibility of winning. And third quote, सबसे powerful है, ये मेरा favorite quote है. Nothing will serve you better than a strong work ethic. अगर आपको life में successful होना है तो आपका वर्क एथिक सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. नथिंग विल सर्व यू बेटर देन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. तो अगर हम अभी भी वर्क फ्रॉम होम करें या कुछ कर रहे हैं, मेक श्योर हम हमारे काम की तरफ ईमानदार है, डिसिप्लिन्ड है. अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक विल हेल्प अस. सो आज का मैं सेशन पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिव बूस्ट का समराइज करता हूं आपके लिए फ्रेंड्स. नंबर 1, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, नेगेटिविटी को ब्लॉक करिए. वो फ्रॉग की जैसे बनिए जो डेफ था और बाहर निकल गया, नेगेटिविटी के लिए डेफ था. वो बकेट के जैसे बनिए जिसमें गंदा पानी है, कॉन्स्टेंट अच्छा पानी डालने से वो पानी भी सब गंदा निकल गया और पानी साफ हो गया. एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर से सीखते हैं कि संस्कार भी कोई एक्सक्यूज नहीं है. अगर आपको राइट फैमिली सपोर्ट मिले एंड विद स्पिरिचुअल पावर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन यू कैन रीबूट योर लाइफ. सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे काइंड. हम कल फिर मिलेंगे अपने पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए. और मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैक्सिमम से लाइक, कमेंट और शेयर करिए. दिस सेशन वॉज ब्रॉट बाय पेसिको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आपका टैक्स एंड अकाउंट्स एडवाइजर. और आज का जो गिफ्ट था जो वीरेंद्र लथानी को मिला था, इट वॉज गिवन बाय 927 फैशंस. बाय गाइस, टेक केयर.